एक ही इंसान कितने किरदार कर सकता है, ये बात भुवन बम ने सभी को दिखलाई है। यूट्यूब का जाना माना चेहरा भुवन बम अब मुसीबत में नजर आए। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में उनकी एक वीडियो जिसका टाइटल ऑटोमेटिक गाड़ी था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई नजर आई। लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें आई जो कि कई लोगों को गलत लगी। अब आपको बता दें कि भुवन बम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी तो है ही है और लोग उनको एज अ मेंटर भी फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि भुवन बम जो है वो हाल फिलहाल कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जाने माने इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके साथ उनके कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बहरहाल भुवन बम की इस वीडियो के अंदर आखिरकार क्या हुआ था, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल इस वीडियो के अंदर उन्होंने पहाड़ी लड़की को लेकर कुछ कमेंट कर दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक अपोलॉजी भी सभी के सामने जाहिर की है। इस अपोलॉजी को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो के एक सेक्शन ने कई लोगों को हर्ट किया है, पर मैंने उसे एडिट करके अब हटा दिया है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी इंटेंशन किसी को भी हर्ट करना नहीं थी। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, जिसकी भी सेंटीमेंट हर्ट हुई हो या बुरा फील हुआ हो, मैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ये वीडियो वायरल हुई, वैसे ही आशीष नौटियाल नामक एक व्यक्ति ने इस वीडियो के बारे में कमेंट करते हुए लिखा था कि इस चीज़ को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इसके बाद NCW को ये ट्वीट किया गया था। NCW की कार्यकर्ता ने इस वीडियो को देखा और उसके बाद भुवन बम के खिलाफ एक्शन लेने की बात सामने आई। हालांकि भुवन ने माफ़ी मांग ली है और जो लोग भुवन को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो वुमेंस की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहरहाल आप हमें कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।